कि मेरे सामने वाले जो सांसद हैं वो सब जगह एक दुष्प्रचार करते हैं। और हाँ, रामचंद्र जी ये कह रहे हैं कि भाई वो सबको कह रहे हैं कि ज्योति मिर्जा कहीं पहुंची नहीं, सांसद बनी जब किसी ने उसको देखा नहीं। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ माड़पुरा में सरपंच साहब कि कल डीडवाना में थी, उससे पहले परबतसर में थी, और एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं थी जहाँ ज्योति मिर्जा ने पहुंच करके गाँव के गवाड़ में गट्टे पे बैठ करके एम्पीडेंट का पैसा ना पाता। कोड़बा था वहां पे तो नेताजी को था कि नेताजी को पिछली बार डिगले वोट दिए थे बीजेपी वालों ने, साथ मिलकर रला रुलू करके जबरदस्त जिता करके भेजा था, और एक भी पंचायत ऐसी नहीं थी जहां हमारे नेताजी पहुंचे थे। एक भी पंचायत ऐसी नहीं मिली जहां सांसद महोदय का पैसा लगा हो पिछले 5 सालों में, और वहां पे लोग बैठ करके देख रहे हैं कि भाई हमने जिसको सांसद बनाया था वो खींवसर का सांसद था या वह नौगढ़ का सांसद बन के गया। और ये क्षेत्र मैं कहती हूँ ये तो गढ़ हुआ करता था जिसको वो कहते हैं कि भाई मेरा गढ़, मेरा मजबूत गढ़, इसमें कोई घुस नहीं सकता। और आज मैं देख रही हूँ कि उस गढ़ की हालत क्या हो रखी है कि गढ़ दुड़ता दिखाई दे रहा है। जो आप लोग इस संख्या में आए हमारा हौसला बढ़ जाता है आप लोगों को देख करके कि अगर माड़पुरा में ये स्थिति है, अगर खरनाल में ये स्थिति है, अगर आखला में ये स्थिति है, और उससे पहले बलाया में भी अगर ये स्थिति थी तो भाई नेताजी वोट लेर कटवाओ मन तो सोचना पड़ेगा। एक चीज बताना चाहती हूँ, नेताजी धमका के काम करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक भय का वातावरण फैला रखा है कि आज किसी का भी होगा काम तो मेरे कहने से होंगे। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माजपुड़ा में यहाँ से कि अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाए ना तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। और सुनो, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर देगा। गठबंधन चुनाव के वोट पड़ने लगे उससे पहले तो गठबंधन टूट गया। भारतीय जनता पार्टी वाले ये सारे ठगी जगह बैठे, देखो यहाँ पिछली बार दौड़े पड़ गए, दूसरे के ऊपर कूद कूद के वोट दिलाए थे टायरों पे। आज सबको पछतावा है या नहीं है भाई? पछता रहे हो ना? और बहुत जल्दी कांग्रेस वाले भी पछताएंगे भाई। मैं तो ये कह रही हूँ कि जिस आदमी की रीति नीति नहीं है किसी के साथ लेके चलने की, जो अपने बहन बेटी का मान सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने समाज के बड़े नेताओं का अपमान करता हो और आज भी करता जा रहा है, शंकर साहब हो चाहे राजा राम मील हो, किसी को ही नहीं बख्शते। बहन बेटियों को गालियां देते हैं, दिव्या मदेरना को, हरीश चौधरी को, ज्योति मिर्जा को, परसुराम मदेरना को, नाथुराम मिर्जा को, किस बात की गाली भाई? उन्होंने काम करे थे, आप लोगों ने उनको मान सम्मान दिया। हम तो ऋणी महसूस करते हैं कि आपने हमारे परिवार को इतना मान सम्मान दे रखा है, और इसलिए आज आप लोगों के बीच में आते हैं और आपसे कहते हैं हमें सेवा करने का मौका दो, वो ऋण उतारने का मौका दो जनता। अगर कहीं से भी कोई गड़बड़ी का समाचार आए आप फटाफट कंट्रोल रूम में फोन करना, आपके मदद के लिए वहां पे उसी टाइम पुलिस आएगी, पहले भी व्यवस्था एक्स्ट्रा करवा करके रखेंगे ताकि जो चोर